हिंदू राष्ट्र से दिक्कत ये है, ये ब्राह्मणवादी जो है, ये ब्राह्मणवादी अपना सिक्का चलाने के लिए ये हिंदू राष्ट्र राजनीतिक वोट पाना, अभी राम के नाम पे वोट पाते थे, अब हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट पाते। इतने महान पुरुष चले आए, उनने तो नहीं बना दिया, बड़े बड़े नेता चले आए वो मर गए, उनने तो नहीं बना दिया, इनके कहने से हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं बनेगा। बाबा लोग हैं ये, अपनी बाबागिरी छोड़ दें, बाबागिरी में रहें, राजनीति में आने की कोशिश ना करें। ये संविधान जो राष्ट्र नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये धरती सबकी है, सबने इसमें जन्म लिया है। हालेलुया नारे असी सदा लंग जावांगे, बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लंग जावांगे, लिखणा ते गोणा सानू ओही ए सिखाउंदा, लिखणा ते गोणा सानू ओही सच सुर नाले ताल सकदे। दूत मेरी राखी ले ओ कलदा, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लख लख दूत मेरी राखी ले ओ कलदा, केरे शब्द ना ओ दा करा तनुवा, केरे शब्द ना ओ दा करा तनुवा, हर कसे ओ दा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, सब ताली बजा के हालेलुया। मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर, मेरे नाल यीशु, मेरे नाल नाल रहंदा है, कदी ना मैनू बस कहंदा है, मेरे नाल नाल रहंदा है, कदी ना मैनू बस कहंदा है, नोएडा चर्च क्राइस्ट। आज पूरा चर्च समाज यहाँ पर आया, क्रिश्चियन सारे लोग आए, क्या मांग करते हैं आप? परमेश्वर की, जो लोगों को विरोध किया जाता है उन्हें, हम किसी से कुछ नहीं कहते, पर परमेश्वर के लोगों को हमेशा बार बार सताया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, इसलिए लोगों से हम यही कहते हैं कि हमारे बारे में कोई ऐसी गलत बातें ना कहें, ना हम किसी का धर्म बदलते हैं, परमेश्वर सबका जीवन बदलने आया है, वो सबके लिए है परमेश्वर। कौन लोग सता रहे हैं? जो भी है परमेश्वर के लिए, जो भी विरोध है परमेश्वर के नाम पर गलत लगता है उन लोगों को, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा सब एक साथ करना चाहते हैं, हम किसी के लिए विरोध नहीं करते हैं। लेकिन बात तो हिंदू राष्ट्र बनने की हो रही है। नहीं, हिंदू या धर्म कुछ नहीं है, ये बस परमेश्वर की महिमा, ये परमेश्वर आया है जीवन बदलने के लिए, इंसान की आत्मा को
कह रहे हैं कि सबको धर्म परिवर्तन करना हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंसान सिर्फ अपना हृदय चेंज करता है, अपना आत्मा को जो है परमेश्वर को देता है, और जो बहुत से लोग कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो जिसको जो लगता है वो उसको लगने दो, जो इंसान परमेश्वर को जानेगा वही परमेश्वर की आत्मा को जानेगा, और हर एक मनुष्य का जीवन उसके हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में है, जैसा परमेश्वर चाहे, जो परमेश्वर जिसको बुलाता है वो चाहे विरोधी हो या अनविरोधी हो या कोई भी हो, परमेश्वर जिसको चाहता है उसको बुला लेता है। लगातार एक नारा दिया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन अब अलग से हिंदू राष्ट्र बनने की बात चल रही है, तो जो मुस्लिम और सिख ईसाई है वो कैसे अलग रहेंगे? देखिए वो नहीं है, मजहबन एक, मजहबन एक, ईश्वर एक। लोग तो नहीं मान रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनने की, वो हिंदू राष्ट्र अगर बना रहे हैं तो फिर आगे और आपत्ति और जातियों के ऊपर होगी। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये धरती सबकी है, सबने इसमें जन्म लिया है। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये जो बाबा लोग हैं ये अपनी बाबागिरी छोड़ दें, बाबागिरी में रहें, राजनीति में आने की कोशिश ना करें। ये संविधान जो करेगा वही होगा। दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत ये है, ये ब्राह्मणवादी जो है, ये ब्राह्मणवादी अपना सिक्का चलाने के लिए ये हिंदू राष्ट्र राजनीतिक वोट पाना, अभी राम के नाम पे वोट पाते थे, अब हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट पाएंगे। इनका मकसद यही है कि इनको गुमराह करो जातियों को। हिंदू राष्ट्र बन गया तो देश का विकास होगा? विकास नहीं होगा, बर्बाद होगा। हाँ, टुकड़े होंगे, कतरे कतरे होंगे। अभी हिंदू राष्ट्र बना रहे, अभी जातिवादी को बांटेंगे, ये सारा सिस्टम ही उल्ट पुलट हो जाएगा। हो सकता है हम तुम किसी के और के गिरफ्त में आ जाएंगे। सारे हिंदू को से हिंदू राष्ट्र बनने थे, कौन हिंदू को है, सारे राष्ट्र बनने थे, ये बिके हुए हैं। उनको बहला फुसला करके उनको ले जाया जाता है, लालच दे करके ले जाया जाता है। कौन हिंदू है? इसमें कई अन्य जातियाँ हैं, कई अन्य जातियाँ हैं। सब अन्य जातियों को आज सबको एकजुट करो। कौन कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? कई कहेंगे नहीं बनेगा, इतने महान पुरुष चले आए उनने तो नहीं बना दिया, बड़े बड़े नेता चले आए वो मर गए उनने तो नहीं बना दिया, इनके कहने से हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा।